आज की वीडियो में आप सभी सुनेंगे पितर पक्ष में सुनी जाने वाली पांच कथा एक साथ। पितर पक्ष 15 दिनों की अवधि होती है जिसमें अपने पितरों को याद किया जाता है और उनके नाम का तर्पण किया जाता है। परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें पितर मानते हैं। व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता वो सूक्ष्म लोक में रहता है। मानते हैं कि पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार वालों को मिलता है। पितर पक्ष में पितर धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पूर्वजों को समर्पित यह विशेष समय आश्विन माह के कृष्ण पक्ष से आरंभ होकर अमावस्या तक के 15 दिनों की अवधि तक पितर पक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष कहलाती है। कहते हैं कि पितर पक्ष के दौरान इन कथाओं के श्रवण करने से और साथ में पितर पक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर होती है। व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध ना होने की स्थिति में आत्मा को पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती। पितर पक्ष में नियमित रूप से दान पुण्य करने से कुंडली में पितर दोष दूर हो जाता है। पितर पक्ष में श्राद्ध और तर्पण का खास महत्व होता है। अब आइए श्रवण करें पितर पक्ष की पांच कथा। इन कथाओं को आज से लेकर अमावस्या तक अवश्य सुने। पहली कथा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा कभी मरती नहीं, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो तो उन्हें वो मिलता है। दानवीर कर्ण जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान दिया। जो भी उनसे कुछ मांगता वो उसे जरूर मिलता। कर्ण जब परलोक गए तो वहां उन्हें वो कुछ दुगना दिया गया जो कि उन्होंने दान दिया था, लेकिन वो सब हीरे ज्वारत और सोना चांदी थे। कर्ण को खाने को कुछ नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान नहीं किया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज की विनती करके धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 14 दिनों का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आकर जमकर भोजन दान किया और श्राद्ध किया। जब कर्ण परलोक वापस आया तो उसके पास खाना पहुंच चुका था, इसलिए हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत शुभ माना गया है। श्राद्धों के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए, इसके जरिए हमारे पूर्वज को सीधे ये पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इस दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती है और अपने वंश जो कि और से अर्पित किए गए भोजन को भोग करती है। प्रेम से बोलिए पितर देव की जय। अब सुनिए दूसरी कथा। एक बार दो भाई थे, जोगो और भोगो। जोगो अमीर था और भोगो गरीब। एक बार श्राद्ध का वक्त था तो अमीर भाई की पत्नी ने उससे श्राद्ध करने को कहा, लेकिन वो इसे व्यर्थ की बात मानकर टालता रहा। ऐसे करने पर अमीर भाई की पत्नी ने सोचा, अगर श्राद्ध नहीं किया गया तो लोग बातें बनाएंगे, इसके लिए ऐसा करती हूँ कि अपने मायके वालों को दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाऊंगी। वही अमीर भाई की पत्नी ने श्राद्ध पर मदद करने के लिए गरीब भाई भोगों की पत्नी को बुला लिया। श्राद्ध का दिन आया तो भोगों की पत्नी पूरा दिन काम पर लगी रही। पूर्वजों के लिए खाना बनाया, लेकिन जैसे ही उनके पूर्वज खाने आए तो क्या देखा कि वहां पर तो अमीर भाई के ससुराल वाले खा रहे हैं। पितर निराश हो गए तो वो गरीब भोगों के घर गए तो वहां क्या देखा कि पितरों के नाम से अगियारी दी हुई है। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही चले गए। सबने वापस में बात की और कहा कि अगर भोगो अमीर होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। पितरों को उस पर दया आई और उन्होंने कहा कि भोगों के घर धन आ जाए। शाम हो गई,
गरीब भोगों के बच्चे खाना मांगने लगे, लेकिन उनके घर में कुछ नहीं था। भोगों के पत्नी ने बच्चों को टालने के लिए झूठ कह दिया कि बाहर हौदी के नीचे खाना रखा है, खा लो। जब बच्चे वहां गए तो देखा कि हौदी मोहरों से भरी हुई है। दौड़े दौड़े बच्चे माँ के पास पहुंचे और सारी बात बताई। भोगो भी अब धनी हो गया। अगले साल जब पितर पक्ष आया तो उसने अच्छे से श्राद्ध मनाया, 56 तरह के भोग लगाए और ब्राह्मणों को भी भोजन कराया। इससे पितर बहुत खुश हुए और भोगों का धन और कुल हमेशा बढ़ता ही गया। प्रेम से बोलिए पितर देव की जय। अब सुनिए तीसरी कथा, धोधा भाई की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा का नाम धोधा भाई था। उन दोनों का विवाह सेठ और सेठानी ने बहुत धूमधाम से किया था। घर में खूब धन दौलत थी। एक दिन सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। धोधा भाई विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितर पक्ष आया तो भाई बोला, मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ। तुम मेरे जाने के बाद मेरी बहन को बुलाकर 15 दिन तक भोजन करवा देना। जो भी सामान चाहिए मैं लाकर रख देता हूँ। पत्नी बोली, ठीक है। सामान लाकर रखने के बाद वो हरिद्वार चला गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी बोली कि मेरी बहन का नाम पौधा है और ननद का नाम धोधा है। धोधा को भोजन न करवाकर पौधा को भोजन करवा देती हूँ। ऐसा सोचकर वह अपनी बहन को 15 दिन तक आकर भोजन कराने के लिए कह आई। अपनी बहन को खाने के लिए कहने के बाद उसने ननद को घर से बाहर निकाल दिया और बाहर खेत में ननद और उसके बच्चे के लिए झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चे के साथ धोधा भाई झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम वह धोधा को घर का काम करने के लिए बुला लेती। धोधा भाई के घर जाकर घर का सारा काम कर आती थी। धोधा भाई लकड़ी की भरी लेने रोज जाती थी, उसी से गुजारा होता था। परंतु भाभी ने काम के लिए बुलाया तो उसने लकड़ी की भारी लाना छोड़ दिया। काम के बदले में भाभी बचा खुचा खाना उसे खाने को दे देती थी। जब भी वह भाभी के घर आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी। घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को देती और कहती कि खीर है, खा लो। बच्चे वही खाकर सो जाते थे। ऐसे ही उसका समय बीत रहा था। एक बार भाभी ने उसे आटा छानने वाला कपड़ा ले जाते देख लिया। भाभी धोधा से बोली, भाई जी आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो, इसे यही छोड़कर जाया करो। धोधा ने कहा, ठीक है। उस दिन भाभी ने उसे बचा खुचा भोजन भी नहीं दिया। भाभी बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। हाँ, आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। ये सुनकर धोधा बेहद दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बच्चे से बोली कि बेटा आज हम सबका उपवास है, इसलिए खाना नहीं खाना है, आज भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले कि माँ मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहाँ चलते हैं। तो धोधा बोली कि बेटा मामी ने कहा था कि आंगन में लगा पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। तुम बताओ कभी पेड़ हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती है, कभी पेड़ को हिलते देखा है? उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा कि भोजन के नाम पर दो सूखी रोटियां और ऊपर से थोड़े चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया
और उसने अपने बच्चे से बोली, इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। और वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और प्रार्थना करती रही, हे गंगा माँ, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन फिर भाभी आई और बोली, भाई जी कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना, लेकिन आंगन में लगा पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। अगले दिन भी वे भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और दो सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए। उसने फिर वह रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फेंकवा दिया और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही। माँ गंगा से प्रार्थना करती रही कि हे माँ गंगा, मेरी भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। इस तरह पितर पक्ष के 16 दिन बीत गए। उसका भाई वापस आया तो उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि इतना कीचड़ क्यों है, मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की, खीर पूरी खिलाए, फिर भी वो मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही है। भाई खेत पर पहुंचा तो वहां देखता है कि वहां कोई झोपड़ी नहीं थी, वहां एक आलीशान महल बना हुआ था जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा कि बहन, ये सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई जो तुम्हारे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से, जो मैं दिन रात रोती थी उन आंसुओं के पानी से हुआ कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ हिले तो आना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम नहीं गए। और शाम को उन्होंने दो रोटी और चावल भिजवाए, जिसे मैंने गुस्से से झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया था। माता पिता के आशीर्वाद तुम्हारे साथ और गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गए, जिसके प्रभाव से ये सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफी मांगी। भाई ने धोधाबाई से घर लौटकर चलने को कहा तो धोधा बोली, भाई गंगा मैया ने तुम्हारी रक्षा की, तुम हमारी रक्षा करोगे, लेकिन अब हम यही रहेंगे। ये सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों ने जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा की, उनके दुख काटे, वैसे सबके काटना, सबकी रक्षा करना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुकार भरने वाले सब पर कृपा करना। बोलो पितर देव जी की जय हो। अब सुनेंगे चौथी कथा। गरुड़ पुराण में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के संवाद में बताए गए हैं। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितर पक्ष में श्राद्ध और उसके महत्व को बताया था। भीष्म पिता ने बताया था कि अत्रि मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि नीमि को ज्ञान दिया था। दरअसल अपने पुत्र की अकस्मात मृत्यु से दुखी होकर नीमि ऋषि ने अपने पूर्वजों का आह्वान करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और कहा, नीमि आपका पुत्र पहले ही पितृ देवों के बीच स्थान ले चुका है, चूंकि आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा करने का कार्य किया है। यह वैसा ही है जैसे आपने पितर यज्ञ किया था। उस समय से श्राद्ध को सनातन धर्म का महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इसके बाद से महर्षि नीमि ने भी श्राद्ध कर्म शुरू किए और उसके बाद से सारे ऋषि मुनियों ने श्राद्ध करना शुरू कर दिए थे। कुछ मान्यताएं बताती है कि युधिष्ठिर ने कौरव और पांडव की ओर से युद्ध में मारे गए सैनिकों के अंतिम संस्कार के बाद उनका श्राद्ध किया था। प्रेम से बोलिए पितर देव की जय। आप सुनेंगे पांचवा कथा, ये है श्रीमद् भागवत पुराण की सातवां अध्याय।
कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय का पाठ श्राद्ध में जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें। इससे पितरों को तृप्ति मिलेगी और पितर दोष से मुक्ति मिलेगी। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, जो मुझ में मन लगाकर मेरे में ही आश्रय लेकर योगा अभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संचय रहित पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा, सो सुनो, विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान में तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्त्रों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि प्राप्त के लिए यत्न करता है, उन यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई बिरला ही मुझे ठीक जान पड़ता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को अपरा, अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं, और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस तरह सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, जिस प्रकार धागे में मणि पिराई जाती है, उसी भांति यह सब संसार मुझसे पड़े और कुछ भी नहीं। हे कुंती पुत्र, जल में, रस में मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में, प्रकाश में मैं ही हूँ, सब वेदों का सार मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुष में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि में तेज रूप मैं ही हूँ, सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों का तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, समस्त प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना, बुद्धिमानों में बुद्धि स्वरूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जानने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने भी स्वास्तिक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता। ये सब मुझ में है। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण यह मेरी गुणमयी और दिव्यमयी माया अति दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। हे भारत, श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ है, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। वह ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेवमय समझे। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं ऋण कर देता हूँ। यह उस श्रद्धा से मुक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम का फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं, और अभव्य, अविनाशी, अच्युत्यम,
स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता। उसी से मूर्ख लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को ही जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे भारत, हे परम तप, इच्छा और देश से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि धंधों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष दृढ़ मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो आश्रय लेकर जीवन मरण से दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्मा आत्मज्ञान अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संगम करता है और अंत कारण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योग अभ्यास के कारण चित्त का वेग रुक रुक कर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतकरण से आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से ही जाना जाता है, और जब वह योगी अनुभव करता है तब आत्मा स्वरूप में स्थिर हो उससे विचलित नहीं होता। इस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ उसको अच्छा नहीं लगता और जहाँ स्थिर होने पर और कोई बड़ा भारी दुख उसको वहां से चलायमान नहीं कर सकता। इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक नामक योग जानना हो तो योग निर्विकल्प चित से निश्चय करके जानना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाला समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन ही मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोक रोक कर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषय से दूर हटा ले और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी वस्तु की इच्छा ना करे और चंचल मन जिधर जिधर जाए उधर से इसको हटाकर आत्मा के बस में करना चाहिए। इस प्रकार शांति चित तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्म के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया है उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है और वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो सब प्राणियों में मुझको और मुझ में सब प्राणियों को देखता है, मैं उससे अलग नहीं रहता और मुझसे वह अलग नहीं रहता। जो अभेद भाव से रहता है, सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझ में मिल जाता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के दुख सुख के समान समझता है और सबको समान देखता है वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो योग बताया कि सबको अपने ही समान देखे, सो मन के चंचल होने के कारण मैं उसको अपने में दृढ़ स्थिर नहीं देखता हूँ। हे श्री कृष्ण, यह चंचल मन बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अपने अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध रखने के समान ही प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, इसमें संदेह की मन अति चंचल है, तो भी हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे भस्म किया जा सकता है। जिसका मन भस्म में नहीं उसको योग अति दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि न पाने से किस गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, उसका यहाँ नाश नहीं होगा पर परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कर्म करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक
पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और फिर वहां से किसी पवित्र और धनवान मनुष्य घर में आकर जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। हे कुरु नंदन, या योगियों के वश में जन्म लेकर पूर्व जन्म की बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और उससे अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता हूँ। पूर्व जन्म में किए योग अभ्यास के बल में अनेक विघ्नों को पड़ने पर भी यह मोक्ष को प्राप्त होता है। योग की केवल इच्छा ही हो तो पुरुष शब्द ब्रह्म के परे जा पहुँचता है। जो बड़े परिश्रम और यत्न से योग अभ्यास करता है वह पापों से छूट मोक्ष को पाता है। बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। जो शुद्ध होकर अनेक जन्मों में परिश्रम करके सफल होता है और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर योग प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों के मध्य से मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है।